क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। क्राइम रिपोर्टर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। कार्यक्रम चालू हो चुका है जनता जनार्दन, और आपको बताएं जनता जनार्दन कार्यक्रम में आपके घर होता क्या। ये कार्यक्रम हर दिन आने वाला कार्यक्रम है, जिसमें हम आपको अलग अलग विषय वस्तु को उठाते हैं, और हमारे सहयोगी पत्रकार ने आपको नवरात्रि स्पेशल कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। तो आइए हम भी ये बताइए कि जिस प्रकार से आप सलाहकार भी हो, बहुत सारे लोग आपसे एडवाइस भी लेते होंगे, आप यहाँ पे जो पंडाल के आयोजन के लिए आपका कितना योगदान होता है? यहाँ पे मैं शिवसेना का उप विभाग प्रमुख हूँ, बाल मित्र मंडल मैं छोटा था जब से चालू किया है, और यहाँ पे कम से कम 400-500 कार्यकर्ते हैं, और ये इतने काम दिन मोहब्बत से करते हैं। दांडिया पिंडिया और भंडारा भंडार सब समाज सेवा और इंजॉय करते हैं। हिंदू धर्म का बढ़ावा देने के लिए ये सब उत्सव किया जाता है। यदि बात की जाए जिस प्रकार से यहाँ पे दांडिया मुंबई में बहुत कम जगह देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप लोग ने आयोजन भी किया लेकिन 10 के बाद नहीं गाना बजा सकते, ऐसा सरकार का आदेश है, लेकिन आप लोग इसमें कितना समर्थन करते हो? यहाँ पे तो ऐसा है, सरकार नियम बताता है 10 बजे तक चालू रखने का नहीं, लेकिन हमारा है हिंदू धर्म हमारा फोर्स करना चाहिए 10 के जगह पे 12 बजे तक चालू रखना है, ये हिंदू धर्म की शान है। और जिस प्रकार से बहुत सारे पंडालों में हमने देखा कि वहाँ पे जो कोल्हापुर में आए प्राकृतिक आपदा को लेकर बहुत सारे वितरण किया जा रहा है, लेकिन आप इस पंडाल के द्वारा आप क्या कहना चाहते हैं, कुछ आगामी समय में कुछ वितरण करने के लिए कुछ सोच है? यहाँ पे देखो वो कोल्हापुर का है, पहाड़ आ गया, ऊपर वाले की देन है, अचानक पहाड़ आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू धर्म अपना छोड़ के दांडिया देवी गणपति उत्सव हर रोज का दिन भी आता है, उसका भी दिन है, लेकिन ये चालू रखना जरूरी है। अच्छा, और आखिरी में जाते जाते आप जो हमारे क्राइम रिपोर्ट टीवी न्यूज के दर्शक को आपके पंडाल द्वारा क्या शुभेच्छा देना चाहते हैं? हमारे बाल मित्र मंडल सेवा से आपको शुभकामना, आपके साथ में हम लोग सब, हमारा मंडल आपके साथ में। जी धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया क्राइम रिपोर्ट टीवी न्यूज के साथ और जनता जनार्दन कार्यक्रम के लिए, धन्यवाद। जय माता जी, जय माता। और जिस प्रकार से यहाँ पे जो हमारे सलाहकार हैं, जो कि अभिनेता हैं, और यहाँ पे बाल मित्र सेवा संघ के यहाँ पे सलाहकार भी हैं, और इनका कहना ये था कि जिस प्रकार से जो दांडे का आयोजन किया जाता है उसे बखूबी भी खेलना चाहिए, और उसी के साथ साथ यहाँ पे एकता का भी प्रतीक हमें देखने को मिल रहा है। और साथ ही यदि एकता की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कमी